इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम जानेंगे बनारस रियासत की कहानी। बनारस, जिसे वाराणसी और काशी भी कहा जाता है, भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसका 2500 साल से भी पुराना इतिहास है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि 1947 तक बनारस एक रियासत हुआ करता था, जिसके राजा को काशी नरेश कहा जाता था। बनारस हिंदू धर्म के सबसे पवित्र जगहों में से एक है। यहाँ पर काशी विश्वेश्वर का मंदिर है, यहाँ पर कई और देवी देवताओं के मंदिर हैं, घाट है, और 2500 सालों से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, ना सिर्फ हिंदू धर्मियों के लिए बल्कि जैन और बौद्ध धर्मियों के लिए भी। और गंगा के तट पे होने के कारण यहाँ पर जो व्यापार होता था, जो कानपुर से कलकत्ता तक, वो नदी के थ्रू, नदी पे जो बोट्स चलती थी उसी के थ्रू होता था। और इवन 2000 साल पहले बनारस एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यापारी केंद्र था और वो आगे चलता रहा। और क्योंकि बनारस इतना अमीर और समृद्ध शहर था, यहाँ से देश भर से जो पिलग्रिम्स आते थे, जो मर्चेंट्स आते थे, राजे आते थे, जो गंगा जी के दर्शन करने, काशी विश्वेश्वर के दर्शन करने, देवताओं के दर्शन करने, तो एक इसका एक बहुत स्पेशल स्टेटस हमेशा से रहा है। और इसीलिए अगर आप देखें तो महमूद गजनवी हो, फिर बाद में जो बादशाह औरंगज़ेब ने जो काशी विश्वेश्वर का मंदिर तुड़वाया हो, तो उस यू नो यहाँ पर हमले हुए, फिर आगे चल के जो मराठे हो वो बनारस पर राज करना चाहते थे, तो क्योंकि ये एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट था तो हर हिंदू राजा चाहता था कि हम बनारस पर राज करें। जो काशी नरेश परिवार है, जो नारायण डिनेस्टी है और जो बनारस रियासत है, उसकी कहानी शुरू होती है 18वीं शताब्दी में। इनफैक्ट यू नो बनारस का राज्य तो 2000 साल से यहाँ पर राजा रहे हैं, पर ये जो परिवार है उसका इतिहास 200 साल पुराना है। मुगल काल में जो बनारस है वो अवध प्रोविंस के अंडर आता था, और जो अवध प्रोविंस था वो जो जमींदार थे वो कंट्रोल किया करते थे, और फिर आगे जो नवाब है, जो गवर्नर है, उन्हें लगान दिया करते थे। तो 1720s-30s के करीब ये जो पूरा इलाका है ये एक भूमिहार परिवार की जमींदारी हुआ करता था, जिसके मुखिया थे बलवंत सिंह। जो बलवंत सिंह की जो जमींदारी हुआ करती थी, दैट इंक्लूडेड बनारस शहर, चंदौली, सोनभद्र, जौनपुर और प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, प्रैक्टिकली जो आज का जो ईस्टर्न यूपी का जो इलाका हम कहते हैं, ये पूरा इस परिवार की जमींदारी थी, और हर साल उन्हें अवध नवाब को लगान देना पड़ता था। अब जैसे ही लाइक 1740s में मुगलों की ताकत कम होने लगी और जो जो अवध के नवाब है वो इंडिपेंडेंट होने लगे, तो ये राजा जो बलवंत सिंह है वो अपना सेमी इंडिपेंडेंट, मतलब ज़मींदार से अपना स्वतंत्र राज्य एस्टैब्लिश करने की कोशिश करने लगे। और क्योंकि वो काशी के राजा थे, वो काशी के नरेश थे, तो काफ़ी जो हिंदू प्रजा है उनमें उनका लोग उनको काफ़ी सपोर्ट किया करते थे, और ऐसा माना जाता है कि एक समय आ गया था कि उनके पास 100,000 इरेगुलर आर्मी हो गई थी। तो अवध के नवाब, इवन दो ये जो काशी नरेश है और बलवंत सिंह है वो उनके अंडर आते थे, अवध नवाबों के अंडर, पर उन्हें लिटरली एक सेमी इंडिपेंडेंट स्टेटस मिल चुका था और एक राजा का स्टेटस मिल चुका था, और वो वहाँ पर लगान वसूल करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, उनका अपना जो चेत सिंह घाट पर, अभी का जो चेत सिंह घाट है उस पर जो किला था, वो वहाँ से इस पूरे इलाके पर राज करते थे। पर तब क्या हुआ, उनके जो बनारस के बाहर का जो भारत है वो बदल रहा था। अब 1750s में अंग्रेज़ों ने
बंगाल के सूबे पर कब्ज़ा कर लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने के बाद, और फिर जब बक्सर की लड़ाई हुई कुछ साल बाद तो अवध के नवाब और उनके अवध के दरबार में भी अंग्रेज़ों का कंट्रोल होने लगा। तो लखनऊ दरबार और मुर्शिदाबाद, इन दोनों पर जब अंग्रेज़ों का इतना कंट्रोल हुआ तो उसके बीचों बीच था ये सेमी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी ऑफ बनारस। और अब जो अंग्रेज़ों का जो एक इन्फ्लुएंस है वो बनारस पर भी दिखने लगा। तो काशी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हिंदू धर्म में होने के कारण मराठों को लाइक बाजीराव के समय से, फिर बाद में जो सदाशिवराव भाऊ और राघोबा और फिर सवाई माधोराव जो बाकी के भी जो पेशवा थे, वो सब चाहते थे कि अयोध्या मथुरा और काशी पर मराठों का राज हो। तो वो अवध के नवाब पर बहुत प्रेशर डाल रहे थे। दूसरी तरफ जो बनारस है वो एक इम्पॉर्टेंट उत्तर भारत का सबसे एक इम्पॉर्टेंट व्यापारी केंद्र था। यहाँ पर साहूकार रहते थे, यहाँ पे आर्टिजन्स रहते थे, एक बहुत ही अमीर और समृद्ध शहर था। तो अंग्रेज़ों को भी इसमें इंटरेस्ट था। तो फाइनली 1770s में एक ट्रीटी के तहत जो अवध के नवाब है उन्होंने ये जो पूरा जो ईस्टर्न यूपी का जो फॉर्मर ज़मींदारी ऑफ राजा बलवंत सिंह, जो काशी नरेश परिवार की ये जो पूरी ज़मींदारी थी और जो बनारस थी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। उस समय काशी के नरेश थे राजा चेत सिंह। जो चेत सिंह घाट है वो उन्हीं के नाम पे है और उन्हीं का उन पर महल हुआ करता था। अब ये समय था वॉरेन हेस्टिंग्स का, जो रॉबर्ट क्लाइव के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल बने थे। अब वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत ही लालची और लोभी इंसान थे। उनको सिर्फ भारत को और भारतीयों को लूटना था। उन्होंने मुर्शिदाबाद और जो बंगाल का सूबा था उसको पूरी तरह से लूट लिया। जो वहाँ के जो ट्रेडर्स थे उनको लूटा, उन्होंने ज़मींदारों को लूटा। मतलब लिटरली कहते हैं ना कि जो निचोड़ सकते थे भारत से, जो पैसा विदेश में ले जा सकते थे वो उन्होंने ले जाने की कोशिश की। इनफैक्ट वो इतने ब्रूटल थे कि ये जो सारे बड़े बड़े जो बंगाल के जो ज़मींदार थे तो उनको हर साल बहुत बड़ा लगान देना पड़ता था, और अगर एक बार भी वो लगान मिस कर जाए तो उनकी रियासत मतलब उनकी जो ज़मीनें हैं वो जब्त करके नीलाम वो कर देते थे। और इसी तरह उन्होंने सारे जो बड़े बड़े ज़मींदार और पुराने ख़ानदान हैं बंगाल में ख़त्म कर दिए। तो वो सेम जिस तरह से एक सक्शन पंप होता है ना, जिस तरह से वो पैसा निचोड़ रहे थे बंगाल से, उसी तरह से उन्होंने सोचा कि ये वाराणसी का और काशी का इतना अमीर और समृद्ध राज है, उसे भी हमें ऑब्वियसली निचोड़ना है। और वही उन्होंने इवन लखनऊ दरबार से भी और जो अवध से भी उन्होंने वही किया। उस समय जो राजा चेत सिंह थे वो बहुत स्वाभिमानी थे, वो बहुत स्वतंत्रता प्रिय थे, और उन्हें ये जो अंग्रेज़ों का जो इंटरफियरेंस है जो उनके राज्य में और जो उनकी जो डिमांड्स हैं वो उन्हें पसंद नहीं थी। पर क्या हो रहा था कि अंग्रेज़ों का लाइक पेट भर ही नहीं रहा था, और पैसा और पैसा और पैसा, और वो और ये मांग रहे थे। तो उसकी वजह से अराउंड 1881 में काफ़ी तनाव बढ़ गया राजा चेत सिंह के बीच में और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बीच में, और एक बहुत टेंशन का समय हो गया। और फिर बाद में एक डिसीजन हुआ कि जो राजा चेत सिंह है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ एक मीटिंग करेंगे, कुछ सुलझाएंगे, और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स एक बड़ी फौज लेकर बनारस की तरफ आए। उस समय क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने जो राजा चेत सिंह है उन्हें धोखे से अपने महल में या किले में कैद कर लिया। और जब ये बात जो वाराणसी के जनता में पहुंची कि जो काशी नरेश को अंग्रेज़ों ने कैद कर रखा है, तो एक बहुत बड़ा विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ बनारस में हुआ। और राजा चेत सिंह एक रस्सी बांधकर घाट के रास्ते से वहाँ से वो निकल गए, और लिटरली वॉरेन हेस्टिंग्स जो काशी की जनता है वो वॉरेन हेस्टिंग्स को मारने निकली थी, और वो किसी तरह से चुनार के किले में अपनी जान बचाकर भाग गए। और फिर राजा चेत सिंह फिर ही एस्केप टू लखनऊ और फिर वहाँ से ग्वालियर, और फिर उनका ग्वालियर में 1810 में निधन हो गया।
उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस विद्रोह के कारण जो इस नारायण डायनेस्टी के जितनी भी ज़्यादातर ज़मीनें थी वो सब उन्होंने जब्त कर ली, और महीप नारायण सिंह जो चैत सिंह के जो नेफ्यू थे उन्हें काशी नरेश के गद्दी पर बिठाया, पर उनका एक्चुअल उनके हाथ में कोई पावर्स नहीं थे, इट वॉज जस्ट अ वेरी कस्टमरी पोजिशन। महीप नारायण सिंह के बाद उदित नारायण सिंह काशी के नरेश बने अराउंड 1830s में, और उसी समय उन्होंने रामनगर में ये जो रामलीला की जो प्रथा है, जो काशी की जो फेमस रामलीला है उसकी शुरुआत की। हमें उसका जो जो वहाँ के जो रामलीला का जो स्प्लेंडर है और जो शान और शौकत है वो पूरे फिर आगे चल के पूरे भारत में बहुत फेमस हो गई, पर एक्चुअल जो शुरुआत है वो 1830 में राजा उदित नारायण के समय पर हुई। बाद में जब 1857 में पूरे उत्तर भारत में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ एक गदर हुआ, एक विद्रोह हुआ, तो तब के जो काशी नरेश थे ईश्वरी नारायण सिंह, तो उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, और जो अंग्रेज़ जो यू नो आसपास यू नो काफ़ी इलाहाबाद में और यहाँ वहाँ जो विद्रोह हो रहा था, तो काफ़ी अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शरण ली, और एंड ही वॉज लॉयल टू द ब्रिटिश, और इसका अंग्रेज़ों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, बिकॉज उनको लगा कि अगर काशी नरेश, जिनका भारत में इतना इम्पोर्टेंट स्टेटस है, अगर वो हमसे लॉयल रहते हैं तो उस पर हिंदुओं का, भारत के हिंदुओं का भी एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो एज अ मार्क ऑफ लॉयल्टी एंड एज अ रिवॉर्ड उन्हें राजा का खिताब और फिर बाद में महाराजा का खिताब दे दिया गया, और उनकी जो काफ़ी जो ज़मीनें थी और जो जागीरें थी जो राजा चैत सिंह के समय पर जब्त की गई थी वो इस परिवार को वापस लौटाई गई। 1889 में प्रभु नारायण सिंह बनारस के राजा बने, काशी नरेश बने, और 1911 में फाइनली अंग्रेज़ों ने जो बनारस जो ज़मींदारी थी उसे एक रियासत में कन्वर्ट कर दिया, एंड ऑफिशियली बनारस बिकेम अ प्रिंसली स्टेट इन 1911। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो परिवार है काशी नरेश, उन्हें महाराजा ऑफ बनारस कहा जाता था, बट द फैक्ट इज़ कि जो बनारस जो शहर था वो हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर था, और जो काशी नरेश है, जो बनारस के महाराजा है, उनकी राजधानी थी रामनगर, जो गंगा जी के ऑपोजिट, जो उल्टे तट पर था, जो सामने के साइड पर, और रामनगर से ही जो बनारस के राजा है वो इस पूरी रियासत पर राज करते थे। एक महत्वपूर्ण बात महाराजा प्रभु नारायण सिंह को लेकर ये है कि 1900s में जब पंडित मदन मोहन मालवीय और एन बेसेंट, महाराजा कामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा और बाकी लोग एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे बनारस में, तब महाराजा प्रभु नारायण सिंह ने 1300 एकर्स ऑफ लैंड डोनेट किया था, जिस पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU बनी थी, और इसी के कारण उनका भी नाम, काशी नरेश का भी नाम BHU को लेकर एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। महाराजा प्रभु नारायण सिंह के बाद आए यहाँ के राजा आदित्य नारायण सिंह, जिन्होंने काफ़ी डेवलप किया जो रामनगर और जो बनारस रियासत को, और इवन हिंदू धर्म और यहाँ के मंदिरों को वो काफ़ी पेट्रनेज देते रहे। बनारस रियासत के आखिरी शासक थे राजा डॉक्टर विभूति नारायण सिंह, और उनके कार्यकाल में ही you know, जब दूसरा विश्व महायुद्ध शुरू हुआ तब बनारस रियासत ने अंग्रेज़ों की काफ़ी मदद की, और 1947 में उन्होंने अपनी रियासत भारत सरकार को सौंप दी, और जो बनारस रियासत है वो भारत का एक अंग बनी। उन्होंने काशीराज ट्रस्ट का निर्माण किया जो जो रामनगर किले से ऑपरेट करता है, और जो जिसमें हिंदू टेक्स्ट हो, पुराण हो, और जो हिंदू रिलीजियस लिटरेचर हो उसको प्रमोट करने में काशीराज ट्रस्ट ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। और इवन इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद काशी नरेश का
वाराणसी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, जो रामनगर का किला है वहाँ पर, जो 1830 से जो रामलीला, यहाँ की जो फेमस रामलीला है, चली आ रही है, और जो रामनगर के किले में ही सरस्वती भवन करके है, जहाँ पर बहुत जो हिंदू धर्म को लेकर जो वेरी बहुत वैल्यूएबल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं, और यहाँ से वो पब्लिकेशन होती है। और इनफैक्ट अभी जो काशी विश्वेश्वर ट्रस्ट है, तो उसके जो अध्यक्ष है वो काशी नरेश ही होते हैं, उस परिवार में ये संस्कृति चली आ रही है। तो इस तरह से जो काशी नरेश का जो परिवार है, जो बनारस रियासत का जो राज परिवार है, वो स्वतंत्र भारत में भी नॉट अ पॉलिटिकल रोल पर एक कल्चरल रोल बनारस शहर में और जो हिंदू धर्म की एक्टिविटीज़ है उसमें अदा करता आ रहा है। तो ये थी कहानी बनारस रियासत की।